एसपी कुमार सौरभ के गजब थानेदार, पैसे की भूख के कारण गुंडों से चलवा रहे अवैध शराब का कारोबार, आईजी डीआईजी एसपी की छवि को खराब करने में लगे हरपालपुर थाना प्रभारी दिलीप पांडे, खाकी की इज्जत को बदनाम कर खुलेआम गुंडों से लॉकडाउन के दौरान बैरियर लगवाकर थाना प्रभारी दिलीप पांडे द्वारा बिकवाई जा रही अवैध शराब ऑडियो हुआ वायरल। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अवैध शराब किस तरह बेखौफ होकर ले जाते हैं शराब माफियाओं के गुर्गे। कुमार सौरभ के गजब थाना प्रभारी हरपालपुर थाना प्रभारी दिलीप पांडे का अवैध शराब बेचने वालों को खुला संरक्षण। लॉकडाउन के दौरान थाना प्रभारी द्वारा खुलेआम बिकवाई जा रही अवैध शराब, थाना प्रभारी दिलीप पांडे पर शराब माफियाओं के गठजोड़ हुआ उजागर। टीआई दिलीप पांडे का ऑडियो हुआ वायरल। रिकॉर्डिंग वायरल करने वालों को थानेदार ने दी फर्जी केस में फंसाने की धमकी। आईजी डीआईजी एसपी की छवि थाना प्रभारी कर रहा खराब, लोगों की रक्षा करने वाला थानेदार बना भक्षक, खाकी को बदनाम करने में लगा थानेदार दिलीप पांडे हरपाल को टीआई दिलीप पांडे की रिकॉर्डिंग वायरल करने वाले युवक को धमका रही पुलिस। दहशत में युवक राजेश और उसके परिजन गलत काम का विरोध करना युवक को पड़ा महंगा। पुलिस से प्रताड़ित युवक राजेश पटेरिया ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर मांगी मदद। थानेदार दिलीप पांडे की प्रताड़ना से परेशान युवक ने कहा, कर लूंगा आत्मदाह, थानेदार दिलीप पांडे होंगे मौत के जिम्मेदार। ऐसा ही एक मामला लौकोस नगर थाने का सामने आया है, जहां लौकोस नगर टीआई केबीआर पर शराब माफियाओं के दबाव में दो लोगों पर 34-2 का मामला दर्ज करने पर छतरपुर डीआईजी के यहां शिकायत हुई। क्या कहा हरपालपुर टीआई ने अपनी सफाई में, सुने। ये आपकी धमकी का ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या कारण है और क्या इसमें सत्यता है? ये कहना पूरी तरह गलत है। पुलिस न तो कभी किसी को धमकी देती है और न किसी को धमकी दी हुई है। गलत आदमी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, और अगर सही है तो उसको अपन सहयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जहाँ तक सवाल है सरसेड़ गांव का, सरसेड़ गांव पुराना दरवा गांव है, यहाँ के लोग ज़्यादातर शराब पीने के आदी हैं, और चूँकि यूपी बॉर्डर उधर से लगा हुआ है, लिहाजा कभी वहाँ उत्तर प्रदेश से भी शराब आती है, और जो भी शराब लेकर के वहाँ डालता है या बाई दिवे इस तरह की उन्हें सूचना मिलती है तो वो शराब पीने के लिए वो उनको प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं और उनसे अवैध रूप से पैसे और शराब की मांग करते हैं, जिसकी शिकायतें शुरू से हैं। और कई बार इस संबंध में अपन ने वहाँ पर जाके प्रयास भी किया, किंतु इतने अत्यधिक मात्रा में शराब पिए होने के कारण उन्हें थाने लाना संभव नहीं था, जिन्हें कई बार वहीं पर ग्राम में ही जाके समझाइश दी गई और उन्हें हर तरफ से ये बताने की कोशिश की गई कि आप कृपया अच्छे ढंग से रहने की कोशिश करें, शराब पूरी छोड़ें। और पूरे गांव में सिर्फ एक ही तरह का वातावरण बना हुआ है, जिसके कारण से पूरा गांव प्रभावित है। सर, जो सरसेड़ में बैरियर है वो आपके द्वारा लगाया गया है या और किसी के द्वारा लगाया गया है? सरसेड़ गांव में लगाया गया बैरियर मेरे द्वारा नहीं है, न इसमें कोई इजाज़त ली गई है और न इस पर कोई पूछताछ की गई है। उन्होंने स्वयं अपने मन से बैरियर लगाया और लोगों के साथ में मारपीट करना शुरू कर दिया था। इसकी काफ़ी शिकायतें आईं, जिस पर से उस बैरियर को तत्काल हटवा दिया गया और किसी से कोई बात नहीं की गई है। ये कहना जो लोगों ने बताया कि अभी एक वीडियो वायरल किया है कि पुलिस द्वारा धमकी दी जा रही है, पुलिस द्वारा न तो उन्हें धमकी दी गई, ना आज तक उनके चेहरे को देखा गया कि कौन व्यक्ति है। उसने जो ऑडियो वायरल भी किया है उसमें उसने चाचा कह के ही शब्दों का उच्चारण किया, लिहाजा मैं तो उसको बच्चे की तरह ही बात कर रहा था। लेकिन अब चूंकि गांव में काफ़ी सजगता और बड़ी स्मार्टनेस हो गई है शराब के कारण से, इस कारण उसने अपने आप को इस तरह से शो करने की कोशिश की। धन्यवाद सर। आना जाना वर्जित हो जाए तो टीआई महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इसी बीच दारू माफिया हमारे यहाँ दारू लेकर आते थे, हमने उनको रोका। दारू रोकने के पश्चात टीआई महोदय ने हमको बताया कि आपको दारू को नहीं रोकना है, यदि दारू को रोकोगे तो हम आपके ऊपर केस कायम कर देंगे, आजीवन कारावास करेंगे, 188 धारा भी लगाएंगे। और मैं कल से बराबर परेशान हूँ, ना मैंने खाया है ना पिया है, मेरे परिवार वाले भी मुझे
मुझे मेरे परिवार वाले भी बहुत दुखी है, और मैं मरता हूँ या मुझे कुछ होता है तो मेरी जिम्मेदारी थाना हरपालपुर TI दिलीप पांडे की है, जो मुझे बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं। गांव में पुलिस भी मुझे ढूंढ रही है, 2-3 बार पुलिस आ चुकी है, दिन में भी रात में भी। मैं इधर हूँ नहीं, मैं बाहर हूँ इस समय पे। प्लीज कृपा करके मुझे बचाइए, बचाइए मुझे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैंने दारू को रोका है और कुछ नहीं किया है। यदि 2-3 दिन ऐसा ही चला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, जिसकी जिम्मेदारी दिलीप पांडे की होगी। जय श्री राम।